कैसी लगी आपको ये फिल्म स्ट्रक्चर? प्रोमो बहुत ही अच्छा लगा मुझे और काफी अलग है, और लॉकडाउन के समय में इस तरह की प्रोमो शूट करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां पर कोई बड़ा स्टाफ नहीं था और पूरी तरह से ये ओरिजिनल लग रहा था कि जैसे कि बहुत सारे अरे क्रू के साथ साइन किया होगा, लेकिन लॉकडाउन में इस तरह का प्रोमो शूट करना तो बहुत बड़ी बात है और काफी डरावना लग रहा है। और परफॉर्मेंस कैसी लगी ज़ेनोफर की? बहुत ही अच्छी लगी है और मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, और लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। हम लगातार आजकल आउटसाइडर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस एक्ट्रेस को सपोर्ट करना चाहिए, ये भी आउटसाइडर ही होगा, उन्होंने अपनी फिल्म बनाया है, प्रोमो है, तो लोगों को देखना चाहिए। और कितनी बड़ी बात है कि महिला होके डायरेक्ट भी किया, प्रोड्यूस भी किया, एक्टिंग भी किया, बहुत ही बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है तो ये ऐसे हॉरर में आना, हर कोई ग्लैमर में आना चाहता है अपनी फर्स्ट फिल्म के साथ, लेकिन वो ग्लैमर में आ रही है, हॉरर में आ रही है, तो बहुत बड़ी बात है, तो लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और काफी अच्छा है, प्रोमो देखना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहिए आपने प्रोमो देखा फिल्म के बारे में, और लॉकडाउन में फिल्म बनी है, तो क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत अच्छी फिल्म है, लॉकडाउन के टाइम में बनी है, और मतलब एक घर में शूट करना लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारी परेशानियों के साथ फिल्म बनती है, और जिस तरह के मेहनत में देख रहा हूँ, और अभी जिस तरह का जो मैंने जितना भी देखा बहुत ही डरावना है और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है। जैसे आप पोस्टर भी देखेंगे बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है उसके अंदर भी, कि बहुत डरावना लग रहा है स्पेक्टर। मुझे लगता है कि मैं सजेस्ट करूंगा कि और भी लोग देखें इस फिल्म को। अच्छा बात करें तो आपने पिक्चर का प्रोमो देखा है, कहीं ना कहीं कुछ डरावना, तो आपको ऐसा कुछ लगा कि नहीं ये पोर्शन पर कुछ डरावना ऐसा? हॉरर फिल्म है और मुझे लगता है कि जो हॉरर पोर्शन जो उन लोग ने यूज़ किया है वो बहुत ही क्रिएटिवली यूज़ किया है, तो लोगों को पक्का डर तो लगेगा ही देख के। फिल्म का मैंने प्रोमो देखा, प्रोमो बहुत अच्छा है। एक्चुअली जब फिल्म ये शुरू हो रही थी ना, तो जैसा रिएक्शन था तो मुझे लगा कि ये राज फिल्म तो नहीं देख रहा हूँ, जो कि उसका और क्लाइमेक्स थोड़ा सा अलग है, लेकिन मुझे ये फिल्म का प्रोमो काफ़ी अच्छा लगा। और थोड़ा मुझे डरावना ये लगा कि जब वो कांच को साफ कर रही थी ना, तो वो टिकटॉक में जिस तरह से बताया गया था जो कांच को साफ कर रही थी, तो रिएक्शन थोड़ा मेरा दिल को ना लग गया कि ये मूवी जो बनाई है ना काफ़ी डेंजरस मूवी है ये। और परफॉर्मेंस कैसी लगी एक्ट्रेस की? परफॉर्मेंस देखो, परफॉर्मेंस तो अभी मूवी पिक्चर है, हॉरर पिक्चर है, तो परफॉर्मेंस तो देना ही पड़ेगा। अगर इसमें आप डर नहीं दिखाओगे तो पब्लिक डरेगी नहीं, तो पब्लिक को डराने के लिए खुद को डरना बहुत जरूरी है। तो आपकी तरफ से क्या बेस्ट विशेस होगी ज़ेनोफर के लिए? नहीं, मेरी तरफ से तो बेस्ट ऑफ लक ही मैं बोल सकता हूँ कि आप फिल्म ला रहे हो, हॉरर मूवी ला रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन में जहाँ लोग अपने घर में बैठे थे कैद होके, उन्होंने ये लॉकडाउन में मूवी बनाया और फ्लैट में मूवी बनाई है, तो काफी अच्छा और मेहनत इन्होंने दिया है कि पूरे जो लॉकडाउन का फायदा जो हम लोग नहीं उठा पाए वो इन्होंने उठा के अच्छी तरह से एक फिल्म को बनाया। आपको जो हॉरर फिल्म है, कितना डर लगा आपको फिल्म देखने? नहीं, अभी मैंने ट्रेलर देखा सही तुमने, मुझे का डर था ये, वाकई इस तरह की फिल्म में इस तरह की कहानी जो ट्रेलर देख रहा है, कहानी मैंने पहले भी कई बार देख चुकी है, लग रहा है ऐसा मुझे ट्रेलर देख के, पता नहीं फिल्म कैसी होगी क्या होगी, लेकिन लग रहा है कि इस तरह की कहानी मैंने कई बार देखी है। और रहा सवाल जेनिफर का, तो उन्होंने लाजा व्यक्त किए, और लॉकडाउन के टाइम में बनी है फिल्म, बहुत मेहनत लगती है, क्रू भी कम होता है, तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का आउटकम निकला है उसको देख के क्या कहेंगे आप? नहीं, ओवरऑल मैं जब ये ट्रेलर देखा मैंने ना, तो लग रहा नहीं कि लॉकडाउन का समय था, तो लगता है कि उन्होंने पहले भी शायद पहले कुछ फिल्म किया। बाकी लॉकडाउन को देखते हुए ये जो फिल्म बनी है, ये ट्रेलर देख रहा है, काफ़ी काबिल तारीफ है। इसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, एक्चुअली हॉरर फिल्म में ना बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत बड़ा स्कोप है, कैसे लग रहा था? कहीं लग रहा था कहीं पर ऐसा म्यूजिक था जहां पर ऐसा डर जाए? हाँ, कहीं एक दो बार ऐसा लगा मुझे कि थोड़ा डर लगा मुझे, इतना भी नहीं इतना कह के हाँ, बाकी जैसे रामू की फिल्में होती है, अदर फिल्म होती है, उस तरह से नहीं, इतना नहीं, लेकिन हाँ लगा, थोड़ा डर लगा मुझे। सर सबसे पहले बताइए आपको कैसी लगी ये फिल्म स्पेक्टर? स्पेक्टर फिल्म एक साइको थ्रिलर और हॉरर फिल्म है, अभी तक जितना भी मैंने देखा मतलब बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी ऐसी डरावनी लग रही थी इनफैक्ट, लेकिन जो पर्पस होता है एक हॉरर फिल्म का कि लोग को फ्राइट होना चाहिए, डरना चाहिए, तो वो ज़रूर हमको महसूस हुआ है इस फिल्म में। और मैं बात करता हूँ ज़ेनोफर फातिमा जो इस फिल्म की जो एक्ट्रेस है, उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है और उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया है, जेन फिल्म प्रोडक्शन उनकी कंपनी का नाम है। और सबसे बड़ी बात है कि लॉकडाउन में बहुत से लोगों ने मतलब उसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी तरह से किया है। हम बहुत बार ऐसे सोचते थे कि लॉकडाउन में लोग फुर्सत में हैं, क्या काम होगा क्या काम नहीं होगा, मगर ज़ेनोफर ने
इस लॉकडाउन का पूरा भरपूर बहुत ही अच्छी तरह से उसका फायदा उठाया और उन्होंने ये इस फिल्म को शूट किया. हालांकि लॉकडाउन में देयर आर लॉट्स ऑफ यू नो प्रिकॉशनरी मेजर्स विच हैड टू बी टेकन. एक्चुअली गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस थी, सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान रखना है और बहुत सी दूसरी जो ख्याल है, वो सभी तरह के यू नो मेजर्स उन्होंने बराबर से लिए और इस फिल्म को उन्होंने शूट किया. बहुत ही अच्छी लगी अब तक की जो फिल्म है और आगे उम्मीद कर रहे हैं कि इसकी जो सीरीज आने वाली है बहुत से वो भी उतनी अच्छी होगी. काफ़ी शी इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो. और मैं जैसे कह दूँ कि जो ब्यूटीफुल होते हैं वो पता नहीं ज़ेनोफर को ये जॉनर क्यों अच्छा लगा, मतलब हॉरर. शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल और डरा भी रही है और वो खुद डर भी रही है, प्रॉमिसिंग लग रही है. और जैसे मुझे पता है कि इनको कुछ ऑफर्स भी आए हैं बॉलीवुड से और शी इज लुकिंग आउट फॉर अ बेटर स्क्रिप्ट. तो होप सो, लेट्स सी, देखते हैं कि आगे क्या होता है और उनका फ्यूचर किस तरह है बॉलीवुड में भी. क्या ये भूत जैसी फिल्में हो गई क्या है, थोड़ा कुछ अगर आप बता दें. मैं बस वही था कि थोड़ा फ्राइटिंग टाइप का था वो कुछ देखा. जैसे मुझे टिकटॉक याद आ गया एक्चुअली, ज़ेनोफर फातिमा को देखे वो ज़्यादा कि जो गाना जिसमें बहुत सारे टिकटॉक वीडियोस बने हैं कि व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड शी इज वाइपिंग द मिरर, उसको कुछ एक इमेज दिखता है जहाँ से वो डर जाते हैं. तो वो कुछ कुछ ऐसे सीन्स थे जहाँ पर काफ़ी फिल्म फ्राइटफुल थे एक्चुअली. और आजकल हॉरर फिल्म ज़्यादा कुछ बनाते नहीं और एक लेडी एक फ्राइट मतलब हॉरर फिल्म बना, मतलब मैंने तो आज तक किसी लेडी को हॉरर फिल्म बनाते हुए नहीं देखा. आई थिंक शी इज द फर्स्ट वन एक्चुअली. आई कम अक्रॉस, शायद बहुत से लोगों ने बनाया होगा, मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा अभी, बट अभी जो भी कर रही है वी विश हम ऑल द बेस्ट.